हाय स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट SST ज्योग्राफी में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे द अर्थ इनर स्ट्रक्चर एंड लेयर। उसमें कुछ पॉइंट हम लोग का बाकी था जिसमें लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। लैंडफॉर्म्स एक पॉइंट है और लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं तो बताते हैं। हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे भूमि है। तो ये भूमि इतने भाग पे प्रत्येक कुछ वर्षों में, 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में उस भूमि का जो भाग होता है वो बढ़ता और घटता है, ऐसा क्यों होता है, लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट हुए। तो उसके रीजन मुख्य दो पाए जाते हैं, पहला वोल्केनो और दूसरा अर्थक्वेक। तो हम लोग आज जानेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बारे में। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को तीन लेयरों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, हमारे इनर स्ट्रक्चर को कितने लेयर में बांटा गया है, तीन लेयर में। सबसे पहला लेयर जो आता है क्रस्ट है, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पर हम लोग रहते हैं। सेकेंड आता है मेंटल, जिसको मध्य भाग, क्रस्ट के नीचे वाले भाग को, क्रस्ट के नीचे वाले लेयर को हम लोग मेंटल लेयर बोलते हैं। और थर्ड कोर, जो सेंटर के भाग में होते हैं। अब इस कोर को दो भागों में डिवाइड किया गया है कि इनर कोर और आउटर कोर, यानी कि जो मेंटल से सटे हुए लेयर होते हैं उनके पास के जो लेयर होते हैं इनको हम लोग आउटर कोर बोलते हैं, और जो सेंटर के पास का क्षेत्र होता है, जो भाग होता है, इसे हम लोग इनर कोर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, भूकंप हमारा जो आता है वो क्रस्ट वाले भाग में आता है। भूकंप किस भाग में आता है याद रखेंगे, भूकंप क्रस्ट वाले भाग में आता है। क्रस्ट वाला भाग यदि कहीं से, और क्रस्ट वाले भाग में भूकंप आने की रीजन क्या है, तो क्रस्ट जो हमारा स्थित है, क्रस्ट के नीचे कुछ प्लेटें बांटी गई हैं, क्रस्ट के नीचे रॉक्स के कुछ प्लेटेज हैं और कुछ सतह हैं, और वे सतह जो होते हैं वो उनमें अक्सर हमेशा मूवमेंट होते रहते हैं। तो क्या याद रखेंगे अर्थ क्यों क्यों आते हैं, तो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे वाले भाग में रॉक का एक लेयर है और उस लेयरों को प्लेटों में बांट दिया गया है, नाम दे दिया गया है, और उन प्लेटों में अक्सर मूवमेंट होते रहते हैं। और उनमें मूवमेंट जो होता है वो मुख्य तीन प्रकार से होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लेट हैं, ये प्लेट हैं, और इन प्लेटों में मुख्यतः तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं। या तो ये प्लेटें अपवर्ड और डाउनवर्ड की और बढ़ते घटते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड होंगे, एक दूसरे पर चढ़ेंगे तो एक डाउनवर्ड की ओर जाएगा, दूसरे अपवर्ड की ओर जाएगा। तो इस मूवमेंट के कारण हमारे पृथ्वी के क्रस्ट भाग में अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। याद रखेंगे कि हमारे अर्थ के प्लेटों में जो मूवमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड का, तो इस मूवमेंट के कारण ही हमारे अर्थ क्रस्ट पे अर्थक्वेक आते हैं। सेकेंड मूवमेंट होता है जब प्लेटें एक दूसरे से अलग खिसकना शुरू करती हैं। तो जेन्युइन आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में एक दूसरे से अलग खिसकना शुरू करेंगे तो उनके बीच में दरारें उत्पन्न होंगी। अब दरारें उत्पन्न होंगी तो उनके नीचे का जो, हम जानते हैं कि मेंटल भाग में हमारा जो होता है मेटल जो होता है, धातु जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो मोल्टेन भाग में पाए जाते हैं, पिघले हुए अवस्था में पाए जाते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है। तो जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करती है, कन्वर्जिंग मूवमेंट में होता है, डाइवर्जिंग मूवमेंट में होता है, तो यहाँ पर हम लोग का भूकंप निकलना शुरू होता है। यानी प्लेटें जब एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगे तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, वोल्केनो उत्पन्न होगा। और यदि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, कन्वर्जिंग होता है उनके प्लेटों में मूवमेंट में, तो ये कन्वर्जिंग के कारण कहीं पे माउंटेन का निर्माण होता है। जैसे हम लोग का जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ सेंटीमीटर mm वो बढ़ रहा है। बढ़ने का मीन्स क्या है कि उसके नीचे जो हिमालय पर्वत के नीचे जो प्लेटेज हैं, वे प्लेटेज एक दूसरे पे चढ़ी हुई हैं और उस मूवमेंट में हमेशा चढ़ते ही जा रही हैं। तो ऐसे मूवमेंट जो एक प्लेटें कन्वर्जिंग मूवमेंट में होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर माउंटेन का निर्माण होता है। याद रखेंगे माउंटेन का निर्माण होता है, यानी हमने देखा कि हमारे अर्थ के प्लेटों में
क्रस्ट के प्लेट में तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं, तीन प्रकार के मोशन होते हैं। पहले अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन होगा तो अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे वेलकेनो निकलता है। और थर्ड, यदि दोनों एक दूसरे के क्लिंग कर रहे हैं, चपक रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग का माउंटेन का निर्माण होता है। एक उदाहरण रखेंगे कि कन्वर्जिंग मोशन के कारण कौन सा माउंटेन है, तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो कन्वर्जिंग मोशन के कारण उत्पन्न हुआ है। यह हो गया। अब इसके बाद ये देखते हैं कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक हमारे पृथ्वी के जिस किसी भाग में, पृथ्वी के जिस किसी भाग में उत्पन्न होता है तो उसको बोला जाता है उद्गम केंद्र। मान लीजिए अर्थक्वेक जहाँ से शुरू हुआ तो उस वाले भाग को क्या बोलेंगे, उद्गम केंद्र। और वो पृथ्वी के क्रस्ट भाग में जहाँ पे पहला उसका वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, जहाँ से पहला उसका सेंटर बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र या फिर ईपी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। और यह अर्थक्वेक जो होता है सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो अपने लंबवत परपेंडिकुलर ऊपर जो क्रस्ट वाले भाग में होते हैं तो उस पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये वेव्स के रूप में चारों तरफ फैलना शुरू करते हैं। याद रखेंगे कि अर्थक्वेक जिस शाखा में पढ़ी जाती है, अर्थक्वेक के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अर्थक्वेक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा कि अर्थक्वेक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी सब्जेक्ट में रखा गया, सिस्मोलॉजी ब्रांचेज शाखा में रखी गई हैं। अर्थक्वेक को जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अर्थक्वेक को किसी से मापा जाता है, सिस्मोलॉजी। याद रखेंगे लोग कि अध्ययन कर रहे हैं तो इसको क्या नाम देंगे, सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक मापा किस चीज़ से जाता है, उसका यंत्र क्या है, इक्विपमेंट क्या है, तो अर्थक्वेक को मापने का जो यंत्र है, इक्विपमेंट है, उसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। याद रखेंगे उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ। और सबसे मेन पॉइंट कि अर्थक्वेक का जो यूनिट होता है उसको रेक्टर स्केल में मापा जाता है। अर्थक्वेक को किस चीज़ में मापा जाता है, रेक्टर स्केल में मापा जाता है। अर्थक्वेक यदि रिएक्टर स्केल पे उसका यूनिट 6 से अधिक जाता है तो वो अधिक काफ़ी अधिक डैमेज करता है, नुकसान करता है अर्थ के क्रस्ट वाले भाग में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वेल्केनो। वेल्केनो के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लोग, तब तक ये वीडियो इसको देखेंगे और बढ़िया से समझ लेंगे। थैंक यू।